जो सबके साथ है, हिंदू मुसलमान सब एक को लेके चल रहे हैं। मेरा अपना मानना है ये कदम जो भी है वो बहुत अच्छे कदम उठाई है ये सरकार और मोदी सरकार। भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। संगीत सोम आलू खाकर बकरीद बनाने की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह सीखते हैं? संगीत सोम को आलू खाने का शौक है तो आलू खाएगा, हमें मीट खाने का शौक है हम मीट खाएंगे, इसमें क्या रखे बात। हमें तो ये सिखाया गया है हमारे यहाँ, जिस देश में रहो उस देश का बादशाह जो आदेश करे उसे मानो, बस इतनी सी बात है। बकरीद पर योगी सरकार की गाइडलाइंस के बाद अब मुसलमान भाई क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को आखिरी सावन का सोमवार भी है और बकरीद भी उसी दिन है, इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। मुस्लिमों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? सर तौकीर अहमद। तौकीर, किस तरीके से देखते हैं, कोरोना का असर है लगातार, सरकार जो त्यौहार हैं भीड़ ना हो उसको लेकर लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, बकरीद इस बार कैसी मन रही है, किस तरीके से मनाने की कोशिश है? सर एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, सैटरडे संडे को तो ईद पड़ रही है सर, उसके लिए कोई गाइडलाइन अब तक जारी नहीं कर पाए कि क्या होगा, कुछ होगा उसमें। चलो कुर्बानी नहीं भी होगी, चलो वो तो अलग एक मैटर। उन्होंने कहा खुले में कुर्बानी नहीं होगी और नमाज नहीं होगी, गाइडलाइंस जारी हो गई? सर गाइडलाइन जारी हो तो गई, लेकिन जिस दिन 2 दिन तो लॉकडाउन रहता है, पूरी यूपी का 2 दिन का लॉकडाउन है सर, उसमें कहाँ से कुर्बानी करेंगे, ना तो बंद में कर सकते हैं ना खुले में कर सकते हैं, बताओ कैसे करेंगे। जब 2 दिन तो घर से बाहर निकलने देते हैं, घर से बाहर निकलते हैं 2 आदमी निकलते हैं पुलिस आ जाती है, उसमें क्या करेगा आदमी। चलो जो गाइडलाइन दी है पहले उसके लिए तो पहले बता दें कि भाई 2 दिन लॉकडाउन है सैटरडे संडे, चलो अगर 1% हमने मान लिया चलो कोरोना है वो तो सबको पता है, उसके लिए जो गाइडलाइन जारी किया चलो वो भी अच्छी बात है, बट लेकिन वो तो होना चाहिए कि अब सैटरडे संडे है उस दिन पूरा यूपी ही बंद है, उसमें क्या करेंगे। इसके लिए सरकार ये तो दिशा निर्देश दिया तो ये कहे कि 2 दिन होगा नहीं, कि यूपी बंद नहीं होगा 2 दिन के लिए, कि उसमें अपना चलो नमाज जैसे ईद उल अज़हा की पढ़ी थी, ईद उल फितर की पढ़ी थी, ईद उल अज़हा की पढ़ लेंगे ऐसे नमाज, चलो कुर्बानी भी उसके अंदर ही कर लेंगे घर के अंदर। और अभी ये भी नहीं बताया कि करनी है या नहीं करनी है, कि अगर घर के अंदर कुर्बानी करी उसका खून बाहर आया उसके बाद क्या पुलिस की लाइन होगी, DM साहब ऑर्डर करें उसके लिए कि अगर हमने खून अब यहाँ पर आने लग गया कि हमने यहाँ काटा पुलिस आ गई कि 10,000 दो 5,000 दो, उसका क्या होगा सर? किस तरीके से देखते हैं, अभी मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर्रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों रोक लगाई जा रही है, खुले में चलने दीजिए सब कुछ। और उधर से संगीत सोम जो BJP के विधायक, उन्होंने कहा आलू खाकर भी तो बकरीद बन सकती है, फिर आखिरकार क्या जरूरत है, तो क्या कहेंगे उस मामले? मेरा मानना है कि योगी की सरकार का जो भी फैसला है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये दो दिन लॉकडाउन है, इसमें योगी सरकार को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए था कि मतलब लॉकडाउन में इसमें मतलब कोई आदमी घर में ना रहे, मतलब अपने घर से बाहर निकले, अपने जो काम है और दिनों की तरह करे, अपना त्यौहार ऐसे ही मनाए। वो उनकी बात ये कदम बहुत अच्छा है कि अब इसको ढक के करें, खुले में ना करें, इससे कोरोना का भी हम लोगों को कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा कोरोना नहीं फैलेगा। लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, हिंदुओं के साथ अलग है, मुस्लिमों के त्यौहार के साथ अलग है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि? जी नहीं, मैं मानता हूँ कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव किसी प्रकार की सरकार नहीं चल रही, योगी सरकार या मोदी सरकार जो भी चली वो सबको लेके सबके साथ सबके विकास के साथ है, जो सबके साथ है हिंदू मुसलमान सब एक को लेके चल रहे हैं। मेरा अपना मानना है ये कदम जो भी है वो बहुत अच्छे कदम उठाई योगी सरकार और मोदी सरकार। भेदभाव नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं, मैं नहीं मानते, हम नहीं मानते, जब उन लोगों का सर इतना अच्छा जो भी उनके अपने कावड़ हैं जो भी अपने प्रोग्राम हैं वो भी जो ईद के टाइम पर हुआ वो भी ऐसे ही वो कर रहे हों, जो त्यौहार उनकी साथ है वो त्यौहार हमारे साथ है, जो कोरोना वायरस उनकी साथ जो भी लॉकडाउन है वो सबके साथ है, इसलिए मैं तो मानते नहीं कोई भेदभाव की वो है। आप किस तरह से देखते हैं, कैसे बना रहे इस बार ईद? वो आगे हमारे ईद जैसे सरकार के आदेश होंगे उसी आधार से बनेगी, सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसको मान्यता होगी और उसको पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिससे जो है सबसे पहले जान है तो जान है, मोदी जी का नारा है कि जान है तो जान है, जिस चीज़ से हमें नुकसान होगा उसको बिल्कुल नहीं करेंगे, जिस चीज़ का हमें फायदा होगा उसको बिल्कुल करेंगे, सरकार की गाइडलाइन को उसी तरह मान। संगीत सोम आलू खाकर बकरीद बनाने की बात कर रहे हैं, उसको किस तरह सीखते हैं? संगीत सोम को आलू खाने का शौक है तो आलू खाएगा, हमें मीट खाने का शौक है हम मीट खाएंगे, इसमें क्या रखे बात। संगीत सोम को आलू पसंद होंगे, संगीत सोम होम आलू खाएं आराम से, उसे कोई मना नहीं कर रहा है, हमें जिस चीज़ की आदत है हम वो खाएंगे। बार पर्दे में हो रही है बकरी, बिल्कुल पर्दे में मनाई जाएगी, सरकार का बिल्कुल सहयोग तन मन धन से किया जाएगा, बाकी बीमारी को भगाया जा सके, पहले जान है तो जान है, अगले साल जिंदा होंगे बकरीद फिर बनाएंगे, नहीं जिंदा होंगे कहाँ बना लेंगे।
सबसे पहले तो जान प्यारी है ना। बकरीद पर जो गाइडलाइंस जारी हुई है किस तरह से? ऐसे है, सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसी को हम पालन करेंगे, जो भी निर्देश सरकार का होगा। हमारे यहाँ तो ये सिखाया गया है। पर आलू खाकर मना रहे हैं क्या बकरीद? नहीं ऐसा है, हम तो अब भी गोश्त खा रहे हैं, आलू क्या। ऐसे है, सरकार जो है जो भी आदेश करेगी, वो चाहे बीजेपी की सरकार है अभी या किसी और की होती तब भी एक ही बात थी। हमें तो ये सिखाया गया है हमारे यहाँ, जिस देश में रहो उस देश का बादशाह जो आदेश करे उसे मानो, बस इतनी सी बात है। अगर हमारे लिए गाइडलाइन आएगी, आदेश होगा कि आप मनाओ इसको कुर्बानी। पर राजनीति भी होनी चाहिए, राजनीति होने लगी। संगीत सोम और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो हैं लगातार इन दोनों में, मैं बता, ये तो चैनल वालों को जो है मुद्दा मिल जाता है, ये टीआरपी के लिए काम करते हैं। और ये जो शफीकुर रहमान सांसद साहब हैं, संभल के हैं ना, संभल के सांसद है, वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, उनको तो वो तो डिबेट में आना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको आना पड़ता है। ठीक है, एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। तो ये राजनीति का मुद्दा इस चैनल बनाते हैं, बाकी और कोई पब्लिक के बीच में कोई ऐसा मुद्दा क्या बोल रहे हैं? चैनल मुद्दा कैसे बना रहे हैं? वो कह रहे हैं आलू खा के बकरीद बना लो, आप कह रहे चैनल बिल्कुल नहीं 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 ऐसा है, जब तक जो हमारी गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिया है उसके बाद उनके पास कोई सवाल पहुंचा होगा, कोई बात पहुंची होगी, उसका उन्होंने तर्क दिया होगा, हम तो आलू खा के भी ईद मना लेंगे, उस पर तर्क दिया होगा। ठीक है ना, लग रहा है आपको इस बार पर्दे में होगी, अलग होगी बिल्कुल इस बार की। देखो देखो, मैंने कल डीजीपी, हमारे उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है, मैंने कल उनका दिशा निर्देश पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है जितने संवेदनशील एरिया हैं, जैसे कि हिंदू और मुसलमान एक जगह रहते हैं, 10 घर किसी के हैं 10 घर किसी के हैं, तो वहाँ आप जो है प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप उसको आराम से मनाइए अपने घर के अंदर, जैसे पहले सड़क पे काट दिया करते थे, वैसे नहीं होगा, आप अपने घर में काटिए, अपने घर में कुर्बानी कीजिए, उसको मनानी, ये डीजीपी के आदेश हैं। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल गाइडलाइन सही है सरकार की, हम उसको बिल्कुल सहयोग देंगे, तन मन धन से सहयोग देंगे बिल्कुल। तक कोरोना को लेकर योगी के कदम कैसे रहे? कोरोना के मामले में ठीक रहे कुछ, ये तो सिर्फ जो योगी जी जो कदम उठा रहे वो अच्छा उठा रहे, जो हमारे नीचे के लोग हैं बनन डॉक्टर हैं ये लोग जो हैं वो थोड़ा उसको जो है गलत नीति को लग रहा था, जब वो ईद गई मीठी ईद, कि अगली बार जो आएगी वो ठीक ठाक हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, देखिए अभी आपने जो इनसे सवाल किया है, योगी जी ने जो अब तक के कोरोना के लिए कदम उठाए हैं ठीक है, कहें हाँ ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो है हिंदुस्तान का, ये सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, वर्ल्ड परेशान है इससे, वर्ल्ड के अंदर हर स्टेट के अंदर जो भी सरकारों ने जो भी फैसले लिए हैं वो बढ़िया ही फैसले हैं, और आगे भी जो फैसले हमें देगी सरकार हम उसे भी मानेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं जी, कैसे मना रहे इस बारी? ये तो गवर्नमेंट का जो आदेश है उसी का पालन करेंगे, लेकिन होना ये चाहिए 5 आदमियों की जो पाबंदी लगाई है हर मस्जिद में, एक मस्जिद 600 गज की है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसमें ज़्यादा होना चाहिए ना, 2 गज का फासले में तो 50 आदमी आ जाएंगे, जब 600 गज की मस्जिद है, जब 30 गज की मस्जिद है तो उसमें 5 ही जाएंगे, तो ऐसा होना चाहिए था, 600 गज में भी 5 और 30 गज की मस्जिद में भी 5, मतलब एरिया के हिसाब से बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए था जी, जी, जी। साइज के हिसाब से बढ़ना। आप क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद सऊद हसन। मोहम्मद सऊद हसन। अच्छा, कैसे मना रहे हैं इस बारी ईद? ईद के तरीके से मनाएंगे, देखी जाएगी, आ गई तुम कह रहे, देखी जाएगी। ईद ईद के तरीके से मनाएंगे कुछ तो इस बार, जिस तरह गाइडलाइंस आई है वो कैसे घर में है, शांति वाली आराम वाली? ईद तो शांति वाली मनाई जाएगी भाई साहब, आराम वाली मनाई जाएगी, लेने के भीड़ भड़ाक होगा, पर जो मस्जिद के ऊपर जो इन्होंने गाइडलाइन शुरू कर दिया है, पर मस्जिद में जो 5-7 बंदे आ रहे हैं थोड़ा ज़्यादा अधिक हो क्या होगा सर, मतलब और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए, क्लियर करना। सर आप भी हैं मीडिया के परवाह, आपको खुद पर कि अभी तो उन्होंने ऐसी गाइडलाइन दी है कि ना तो कुछ, हाँ अपने पास पक्ष में रखा नहीं कुछ, सब कुछ हमारे ऊपर डाल दे कि जो करेंगे हम करेंगे, अब अगर कोई काम होगा वो भी हमारे ऊपर, नहीं होगा तब भी हमारे ऊपर करेंगे, जब भी कोई बात। कोरोना को लेकर वाकई सरकार को एहतियात बरतने चाहिए कि नहीं बरतने चाहिए, कि खुलेआम चलने दे सब? नहीं सर, एहतियात तो बरतने चाहिए, अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो जो बीमारी अभी 10% है या 20% है या 30% है, ये 100 के 100% हो जाएगी, और अभी इतनी चीज़ें हैं भी नहीं अभी हमारे पास कि हम एकदम इससे लड़ सकें, अभी भी मरीजों की संख्या 10 लाख के पार जा रही है, वो भी तो बात देखना है, वो भी चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो गाइडलाइन है ये इन्हें उन्हें चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए कि अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है।
सबने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करेंगे, और जो राजनीति इस पर लगातार हो रही है उस पर भी जनता अपनी राय रखती नजर आई। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।